सो देन सर अगेन देन आपको तो बहसियत वकील कहना चाहिए, देन हेड शुड रोल अदालतों को फिर खड़े होकर इंश्योर करना चाहिए। मुझे एक बात बताएं कुंडी साहब कि ऐसी सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के मेंबर मिलके आपकी हुकूमत के अंदर सवाल उठा रहे हैं और खत लिख रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को कि भाई ब्लैंकेट बैन्स हो रहे हैं इधर डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर पाकिस्तान में, डेथ्स ऑफ प्रोमिनेंट क्रिटिक्स हो रहा है, कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असेंबली मुतासिर हो रही है पाकिस्तान में, मुजाहिरों के बाद इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन साहब अपना किरदार अदा करें, चाहे टेलीफोन कॉल करें, डिप्लोमेटिक विजिट्स करें, इनसे राबता करें, आपको झंझोड़े। आप अच्छी बात यह है, उन्होंने ये कहा है कि कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ है, जेएचक्यू पे हमला हुआ है, ये ठीक है, बात कर रहे हैं, नो जीरो टॉलरेंस भाई, नो तो जीरो, हमारी भी जीरो टॉलरेंस है, आपके बात आप हमारी बैकफुट पे डाल देते हैं, नहीं बैकफुट नहीं, हमारी भी जीरो टॉलरेंस है। अब ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, बिल्कुल उनकी बात, आप मुझे बताएं कि अमेरिका में कितने काले हैं, हम डिफेंस पे नहीं डाल रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक होगा, ये तो मान रहे थे ना कि हम इन्होंने कहा 10 महीनों से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने ये कहा था ना कि हमारा एक बंदा भी मुलविस नहीं इसमें, और फिर कहता है जब मेरी गिरफ्तारी होती तो रिएक्शन आएगा, अब जो चेहरे आ रहे हैं कौन आ रहे हैं, इनकी लोग छोड़ रहे हैं, इनकी लोग कह रहे हैं कि हमारे, चलिए मुझे एक बात बताएं डायलॉग का कोई या डिस्कशन की कोई गुंजाइश है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा डायलॉग में बिलीव करती है और हम आज भी कहते हैं इसका वे फॉरवर्ड डायलॉग्स है और डायलॉग्स के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं, जंगे भी होते हैं मुल्कों के दरमियान फिर भी डायलॉग्स, लेकिन डायलॉग्स संजीद है उसके ऊपर, ये नहीं कि आप जो है एक ऐसी टीम भेजें जो कि श्री मजाही साहब बाहर कब आ रही है सर क्विकली, मलिका बुखारी सुबह दोनों अदालतों में केस लगा हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, एंड वी ऑल प्रे कि अच्छी खबर आए तमाम तर सियासी रहनुमाओं के लिए, इसको पोलिटिकलाइजेशन नहीं लगना चाहिए, जो तमाम तर कार्रवाई है इसके अंदर शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद हाजिर होंगे।